भाई लखी शाह बंजारा। बंजारा समाज के दुनिया के सबसे अमीर राजा, 17वीं सदी के सबसे ताकतवर इंसान, मानवतावादी, दूरदृष्टि और दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी, स्वयंपूर्ण तांडा के निर्माता भाई लखी शाह बंजारा एक अनसुनी कहानी। इनका जन्म खैरपुर तालुका मुजफ्फरपुर जिला अलीपुर में 4 जुलाई 1580 में उनके पिता भाई गोधू राय के यहाँ हुआ। लखी बंजारा से भाई लखी शाह बंजारा बनने का यह सफर बड़ा दिलचस्प है। शाह, राय, ये नाम राजा के लिए ही उपयोग में लाया जाता था। उन्हें 8 पुत्र, 17 पोते और 24 पड़पोते थे। ये सभी उतने ही प्रतिभाशाली और निपुण थे। अपनी 100 साल की उम्र में इन्होंने अपना ये व्यापार पूरी दुनिया में फैलाया। लखी शाह बंजारा की यातायात व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि वो 10 टन से 100 टन का सामान पूरे एशिया खंड में आसानी से वितरित कर सकते थे। उनके बनाए हुए चारों तांडाओं के हर तांडा में 4 लाख से ज्यादा परिवार और 3 लाख सैनिक थे। ऐसे तकरीबन 25 लाख परिवारों के वो एकमात्र राजा थे। उसमें से हर बंजारा व्यक्ति के पास सैकड़ों जानवर और बैलगाड़ियां थी। हर परिवार में 4 से 5 लोग थे। ऐसा माना जाता है कि उनके तांडा में 90 लाख से ज्यादा बैलगाड़ियां और जानवर थे। हर रोज 15 से 20 किलोमीटर चलकर एक साल में हर घुमंतू बंजारा परिवार देश विदेश के बाजार घूमकर टनों वजन का सामान बेच देते थे। जब इनका तांडा निकलता था तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो गांव के गांव निकल रहे हैं। इस व्यवस्था की वजह से भाई लखी शाह बंजारा दुनिया के सबसे दौलतमंद और बड़े व्यापारी बने। उनके साथ ही घुमंतू कहलाने वाला बंजारा समाज भी अमीर बनता गया। लखी शाह 17वीं सदी में करोड़ों के व्यापारी थे। मुगल साम्राज्य लखी शाह के साथ पीढ़ियों से व्यापार करता रहा। पूरी दुनिया के व्यापार का 25% व्यापार भारत से होता था। ये केवल भाई लखी शाह ही कर सकते थे। वो सिख धर्मगुरु गुरु नानक जी और बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के पारिवारिक निकटवर्तीय थे। पूरे एशिया खंड में सबसे बड़े व्यापारी कहे जाने वाले दिल्ली के एकमात्र व्यक्ति थे लखी शाह बंजारा। भाई माखन शाह लुबाना के साथ वो व्यापार करते थे। वो एक अपराजित योद्धा थे। लखी शाह बंजारा जी ने लोहगढ़ किला और लाल किला निर्माण करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। हरियाणा के यमुनानगर जिले में बिलासपुर स्थित लोहगढ़ किले का निर्माण बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 1630 से 1675 में किया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ये किला मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए बनवाया था। इस किले के लिए बाबा लखी शाह बंजारा ने जमीन खरीदी और इसके निर्माण के लिए लगने वाले सभी खर्चे भाई लखी शाह बंजारा और भाई माखन लुबाना इन्होंने किए। इसके लिए लखी शाह ने लोहगढ़ किले के आसपास 52 गांव बसाए। इन सभी गांवों में ज्यादातर बंजारा लोग रहते थे। वहां लखी शाह ने कुटीर उद्योग की शुरुआत की। इस किले में खालसा सिख रेजिमेंट को प्रशिक्षण दिया जाता था और यहीं हथियार और तोप भी बनाए जाते थे। एशिया खंड के सबसे बड़े व्यापारी होते हुए भी बंजारा समाज और लखी राय बंजारा ने अपने मुखबिर और तांडा की मदद से देश के लिए बड़ी जंग छेड़ दी थी। ये बात मुगल साम्राज्य से छुपी रही थी। सिख धर्म के साथ की हुई इस मुहिम का विस्तार पूर्वक वर्णन बंजारा वर्ल्ड चैनल जल्द ही आपके सामने लाएगा। दिल्ली के करीब लखी राय के मालचा, रायसीना, बाराखंबा और नरेला, ये 4 गांव भी थे। इसके साथ ही आज की दिल्ली में मौजूद धौला कुआं, बाराखंबा, पूसा हिल, कनॉट प्लेस, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, गुरुद्वारा रकाबगंज और बहुत सी जगह भाई लखी शाह बंजारा के थे। जिला लखीसराय बिहार और मध्य प्रदेश का लखी बंजारा तालाब जिला सागर, इसका निर्माण लखी शाह ने ही किया था। उनका तांडा
व्यापार के लिए जिस भी गांव या रास्ते से गुजरता था, वहां हर 10 किलोमीटर पर एक बड़ा कुआं या तालाब और भव्य धर्मशाला का निर्माण किया जाता था, ताकि कोई भी तांडा या राही वहां आराम कर सके और उनके खाने पीने की व्यवस्था आसानी से हो सके। 17वीं सदी में एशिया खंड की कई बड़ी लड़ाइयां और भव्य निर्माण बाबा लखीशाह बंजारा को छोड़कर असंभव थी। लखीशाह बंजारा जी का व्यवस्थापन इतना सटीक था, जिसका आज भी विश्व की कई जानी मानी व्यवस्थापन यूनिवर्सिटीज अध्ययन कर रही हैं। बाबा लखीशाह बंजारा जी के दादाजी नायक ठाकुर मुगल बादशाह अकबर के कालखंड में हर प्रकार के साहित्य का आयात निर्यात करने वाले मुख्य व्यक्ति थे। उनके इसी व्यवसाय को लखीशाह बंजारा ने संपूर्ण एशिया खंड में बढ़ाया। खेती के औजार, खान पान के साहित्य, बांधकाम में लगने वाला कच्चा माल, युद्ध सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण आजीविका के सामान को देश विदेश में वितरण का महत्वपूर्ण कार्य लखीशाह बंजारा के तांडा करते थे। इसके साथ ही घोड़े पर सवार होने के लिए इस्तेमाल होने वाली चमड़ी, खड़ा चूना, घोड़े की लगाम, घोड़े की नाल मुगल साम्राज्य की सेना को वितरित करते थे। वो रुई, चूना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रमुख व्यापारी थे। भारतीय उपमहाद्वीप परगना, सहवान, सिंध और मध्य हिमालय की भोतिया जनजातियां लखीशाह बंजारा जी से ऊंट, घोड़े, बैल, बकरियां, भेड़ आदि जानवरों के बदले अनाज एवं युद्ध सामग्री का आदान प्रदान करती थी। लखीशाह के सभी बंजारा तांडा अपनी जरूरी वस्तुओं के साथ व्यापारी सामग्री को लेकर भ्रमण करती थी। वो देश विदेश में देशांतर गमन करने के साथ अपनी भारतीय संस्कृति की जड़ें दूर तक फैला रहे थे, जो कि आज भी देश विदेश में बसे और अलग अलग नामों से प्रचलित बंजारा समुदाय को देखकर हमें पता चलता है। यही तो वो बंजारा समाज है जो कहीं जिप्सी, रोमा जिप्सी इत्यादि नामों से जाना जाता है। मुगल साम्राज्य के इतने करीबी होकर भी मुगलों के साथ हुई लड़ाई में लखीशाह जी और उनके भाई भाई गुरदास ने सिख धर्मगुरु गुरु नानक जी और बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का हर कदम पर साथ दिया। वो आखिरी दम तक गुरु हर गोविंद, गुरु हर राय, गुरु हर किशन, गुरु तेग बहादुर और बाबा गुरदित्ता के साथ रहे। उत्तराखंड के श्रीनगर जिला पौड़ी गढ़वाल में गुरु हरगोविंद साहिब और समर्थ रामदास की मुलाकात 1634 में हुई थी। यह मुलाकात भाई लखीशाह के द्वारा हिंदू समुदाय एकत्रीकरण के लिए की गई थी, जो आगे जाकर मराठा और सिख समुदाय की मुगल विरोधी लड़ाई में देखी गई। दिल्ली स्थित चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी की हत्या के पश्चात बाबा लखीशाह बंजारा ने अपने चार पुत्र और हजारों सैनिकों के साथ बड़ी कूटनीति से गुरु तेग बहादुर जी के मुगलों के काटे हुए सिर और धड़ उनके भाई जगजीवन को सौंप दिए, जिसे उन्होंने उनके गांव रायसीना में अग्नि दी। इस समय बाबा लखीशाह की उम्र 95 वर्ष थी। बाबा लखीशाह बंजारा के पश्चात उनके वंशजों ने भी सिख धर्म के लिए कई बलिदान दिए। उनके पुत्र भाई हेमा, भाई नघैया जिन्हें जवाहर सिंह के नाम से भी जाना जाता है, भाई हरिया और बेबी सीतो जिनका नाम बाद में बसंत कौर हो गया था, वो 10वें सिख धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह साहब के बहुत करीबी रहे। सन 1700 से 1704 तक मुगलों के साथ हुई लड़ाई में भाई हेमा, भाई नघैया और भाई हरिया शहीद हुए। बाबा लखीशाह बंजारा के पड़पोते भाई अग्रज सिंह और भाई फराज सिंह, जो कि बाबा बंदा सिंह बहादुर के सेना नायक थे, उन्हें लोहगढ़ और सिधोरा के मुगलों के साथ हुई लड़ाई के दौरान वीर गति प्राप्त हुई। उन्होंने और उनके परिवार ने सिख धर्म बचाने के लिए 80 साल मुगलों से कड़ा संघर्ष किया। भाई लखीशाह बंजारा का निधन उनके मालचा स्थित महल में 7 जून 1680 में हुआ। भाई लखीशाह के बारे में पंजाब विश्वविद्यालय में ये सभी दस्तावेज उपलब्ध है। भाई लखीशाह बंजारा केवल दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी ही नहीं,
बल्कि एक सच्चे देशभक्त भी थे। 100 से ज्यादा बलिदान उनके परिवार ने मुगलों के साथ लड़ते समय दिए हैं। लोहगढ़ की लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य ने भाई लखी शाह की सारी संपत्ति, उनके गांव, धर्मशाला, कुएं, तालाब, कारखाने, गुरुद्वारे, मंदिर ध्वस्त कर दिए। बंजारा समाज को मुगल साम्राज्य का दुश्मन मानकर उनके पतन की शुरुआत हुई। ब्रिटिश सरकार ने इस आधार पर बंजारा समाज को प्रतिबंधित रखते हुए क्रिमिनल एक्ट लगा दिया और विश्व का अमीर समझा जाने वाला बंजारा समाज धीरे धीरे गुमनामी में खो गया। गर्व से कहें, हमार संस्कृति, हमारो अभिमान, जय सेवालाल।